अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में 9.7 बिलियन डॉलर्स इकट्ठे किए और ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने इतनी बड़ी 8 सैलाब ज़दगान के लिए हमने कलेक्ट किए। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो 9.7 बिलियन डॉलर्स है ये सारी एड नहीं है। जो एड होती है ये आपने वापस नहीं करना होती, कर्ज़ा आपने रिटर्न करना होता है। जो कर्ज़ा होता है ये एक लायबिलिटी होती है। तो इसमें से एटलीस्ट 7 बिलियन डॉलर्स जो कि आपको इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने दिए हैं या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए या वर्ल्ड बैंक ने दिए, तो ये 7 बिलियन डॉलर्स तो कर्ज़ा ही है, ये इमदाद नहीं हो सकती। तो लायबिलिटी में इजाफा हो गया। हाँ ये हो सकता है कि ये नरम शरायत के ऊपर आपको कर्ज़ा दिया गया हो, और जो एड है ये हार्डली 2.5 बिलियन डॉलर्स की बनती है। और यहाँ पे मैं तीन क्वेश्चंस रेज करना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि अब तक सिंध के इलाकों से स्पेशली सैलाब का पानी क्यों नहीं निकाला गया? एक कंट्री जो कि खुद को एटॉमिक पावर डिक्लेयर करता है, क्लेम करता है, अब क्या उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उन लोगों के घरों से पानी निकाल सके, उन एरियाज में से पानी निकाल सके जहाँ से पिछले 6 माह में एटलीस्ट 6 मंथ्स अब तक सैलाब का पानी नहीं निकल सका? तो उन लोगों का, उन एरियाज का क्या हाल होगा? नंबर 2, पाकिस्तान में सैलाब आया, बहुत बड़ी तबाही हुई। तो इस चीज़ से इन फ्यूचर बचने के लिए कि पाकिस्तान में दोबारा सैलाब ना आए, या अगर आए तो एटलीस्ट वो इतनी बड़ी डैमेजेस ना करे, इतना बड़ा नुकसान ना करे, अब तक क्या इकदाम किए गए? नंबर 3, और सबसे इम्पॉर्टेंट, पिछले 75 सालों से हम लोग भीख ही क्यों मांग रहे हैं? क्या वजह है कि पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और पाकिस्तान के जो स्पेशली पॉलिटिकल एलीट है ये अमीर से अमीर होती जा रही है? कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो। जरा सोचिए।